ನಾನು ತಲೆನೋವು ನನಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರಂತ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ ಹೋದ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರ್ಲಿ अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत मुख्तलिफ मजाहिब धर्म जात भाषा तहजीबों का मुल्क है। यहाँ आपको हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब जबान लहजा बदलते देख सकते हैं। इसके बावजूद अनेकता में एकता की तरह भारत की सारी दुनिया में एक अलग पहचान है। अगर सीधे बात कही जाए तो क्या अब भारत का चेहरा बदल रहा है? एक कदीम तारीख की तहजीब जिसे अनेकता में एकता कहा जाता है को हिंदू राष्ट्र में बदलने का ऐलान अब रोजाना सुनने देखने को मिल रहा है। अब कहीं पर तो हुकूमतों के खामोश हिमायत भी हासिल होते हुए देखा जा रहा है। खैर आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भाजपा के कायद ईश्वरप्पा ने एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात को मजबूत करने का बयान दिया है। कर्नाटक में पिछले कुछ अरसे से मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है। हिजाब हलाल झटका, मंदिरों के सामने मुस्लिम ताजिरों को हटाने की मुहिम और अब अजान। वैसे तो अजान को लेकर हमेशा तनाजा खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है। मस्जिदों के सामने स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। मुल्की सतह पर अजान को लेकर माहौल बनाने की कोशिश है भाजपा या फिर फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से जारी रही। एक बार फिर चुनाव के मद्देनजर ईश्वरप्पा ने मुसलमानों को अजान की क्या जरूरत है कहते हुए बहुत ही तकलीफ दे जुमला इस्तेमाल किया। क्या अल्लाह बहरा है नौजबिल्ला, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस पर क्या कहा जाए, जहालत की इंतहा ही कह सकते हैं, या तो जहालत या तो फिर जानबूझकर जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कह सकते हैं। अगर किसी मामले में इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करे और फिर बयानबाजी करे। यकीनन तमाम बयानात मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए और अक्सरियत हिंदुओं को खुश करने के लिए कहे जा रहे। इससे पहले भी बारहा इस तरह के जुमले चुनावी एजेंडे के तहत भाजपा ही के लीडरों की जानिब से कहे गए। सबसे पहले अजान क्या है इस पर बोलने की जरूरत है। अजान अल्लाह को पुकारने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए दावत दी जाती है। पहले बस्तियां छोटी हुआ करती थी और मस्जिदों पर खड़े होकर अजान दिया करती थी क्योंकि उस वक्त माइक और स्पीकर की सहूलत भी नहीं थी। वक्त बदलता गया, गांव शहरों में तब्दील हो गए, दौड़ धूप की दुनिया में शोर शराबा भी होता गया। स्पीकर माइक की इजाद हुई तो सहूलतों के हिसाब से अजान स्पीकर पर देना शुरू किया ताकि दूर दराज के लोगों तक आवाज को पहुंचाना, ताकि नमाज अदा करने के लिए मुसलमान मस्जिद में आए, ये इसके पीछे असल वजह है। लेकिन अब तो अजान को लेकर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने से फिरका परस्त ज़हनियत के लोग बाज नहीं आ रहे। इन तमाम लीडरों से एक बात कहनी जरूरी है, इतना याद रखें कि आज भी भारत सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष मुल्क के तौर पर ही जाना जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों की बेहिसी इंतहा पर है, इनको किसी तरह का एहसास ही नहीं है। इससे पहले भी हमने कहा है कि आज भी अदालतों के रास्ते खुले हैं, संविधान जिंदा है, लेकिन जब कौम मुर्दा बन जाती है तो किसी तरह का एहसास नहीं रहता। बिल्कुल उसी तरह आज अल्लाह और उसके रसूल पर कुछ भी कह दो, मुर्दा कौम कभी हरकत नहीं करेगी। आखिर मुसलमानियत किसका नाम है? अल्लाह को बहरा कहने के आखिर ईश्वरप्पा के हिम्मत कैसे हुई, कैसे जुर्रत कर पाते हैं? क्या कोई मुसलमान किसी और के बारे में कुछ कह दे तो फिरका परस्त खामोश रहेंगे? ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि मुसलमानों के पास बहाने हैं कि हमें उकसाने के लिए जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है कि तरह हम अपनी बुजदिली को उकसाने के लिए कहकर छिपा तो सकते हैं, लेकिन अपने जमीर को पूछ कर तो देखो कि क्या वो जिंदा है। हमारे पास बहाने बहुत हैं, कुछ कर ही नहीं सकते तो बहाने हजार की तरह हर सवाल का जवाब इस दौर के मुसलमानों के पास मौजूद है। फिर दीनदारी के दावे तो ऐसे कि फरिश्ते भी शर्माए। हम ये नहीं कहते कि तुम कानून को हाथ में लो या एहतजाज करो, क्योंकि अब वो हिम्मत तुम्हारे अंदर है भी नहीं, अब एहतजाज का जज्बा तुम्हारे अंदर कहाँ रहा। लेकिन कोई भी किसी और के मजहबी मामलात में दखल नहीं दे सकता। अगर कोई मुसलमान भी इस तरह किसी और धर्म को लेकर बयान देता है तो उसकी भी मजम्मत की जाएगी, लेकिन सीधे कोई भी ऐरा गहरा इस्लाम पर सीधे उंगली उठाए और पूरी उम्मत खामोशी अख्तियार करे, इसे क्या कह सकते हैं?
कोई माने या ना माने, पर खुद साख्ता हिंदू राष्ट्र भारत बन चुका है। इसके बावजूद भी अदालत का आखिरी रास्ता आज भी मौजूद है। अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी खुद बैरिस्टर है, लेकिन बजाय मुकदमे दायर करने के डिबेट में बयानबाजी ही करते दिखते हैं, जिसका सीधा फायदा सामने फिरका परस्तों को हो जाता है। जो भी पार्टी अपने आप को मुसलमानों की कहती है, फिर SDPI, मुस्लिम लीग, MIM, इन फिरका परस्त लीडरों पर पिटीशन हर शहर में दाखिल क्यों नहीं करते? इसका जवाब सामने से ये भी आ सकता है कि कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये उसका जवाब नहीं है। दूसरों को हम इल्जाम देने से कि हमारी पार्टी में क्या है, जब हम मुसलमानों की पार्टी होने का दावा करते हैं तो पहला हक तो हमारा बनता है, हम बजाय खुद करने के कांग्रेस क्या कर रही है, JDS क्या कर रही है, दीगर पार्टियां क्या कर रही है, इस सवाल को पूछकर हम अपनी जिम्मेदारी से सबकदोष नहीं हो सकते। एक और अहम खबर इसी दौरान हासिल हुई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इहाते में मस्जिद को हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस पर मस्जिद की तरफ से वकालत करने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि जब से हुकूमत बदली है इनके तेवर भी बदले, 1950 से मस्जिद है और इसे यूं हटाने का फैसला नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर मस्जिद को हटाया जाए। इस फैसले पर अलग अलग राय देखने को मिल रही। अब क्या दीगर जगहों पर जहां सरकारी इमारतें हैं वहां मंदिरों को तामीर करना क्या दुरुस्त है? क्या पुलिस थानों में, अदालत के इहाते में, सरकारी इमारतों के, यहां तक के सरकारी बसों में तक मजहबी तस्वीरें लगाई जाती है, क्या इस संवैधानिक तरीके से सही है, ये दुरुस्त है? जेलों में तक बड़े मंदिरों की तामीर की जा चुकी है, लेकिन कभी भी किसी ने इस पर एतराज नहीं किया, क्योंकि भारत में सभी को अपने अपने मजहबी रसूमात को अंजाम देने की आजादी है और इसी का नाम तो भारत है। लेकिन क्या बात है कि जब भी चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो कभी मस्जिदों का मौजूद जेर बहस रहता है, तो कभी चर्च पर हमले किए जाते हैं, कभी दलितों को मंदिर में दाखिला नहीं होने दिया जाता, और यहाँ वजीर आजम सबका साथ सबका विश्वास का नारा लगाते रहते, मतलब कहने और करने में हमेशा की तरफ फर्क देखा जाता है। इन तमाम के बीच ताज्जुब मुस्लिम माशरे का है, यह माशरा ही अजीब है। कितनी बार हमने इस पर तस्करा किया हुआ है, अपनी अलग जिंदगी में यह माशरा मस्त है। इस कौम को अगर पनाहगजीर कैंपों में भी रखा जाए तो ये आराम से ही रहेंगे, क्योंकि इनके जिंदगी जीने का तरीका ही अलग है। अपने अपने मसलक, मसलक की मौलवी, मसलक की किताबें, मसलक की मस्जिदें, इसके इर्द गिर्द इनकी जिंदगी गुजरती रहती है। मौजूदा हालात पर इनके हलक से मस्जिदों में बात नहीं निकलती, बजरंग दल RSS पर तो बहुत दूर की बात रही। और वैसे भी भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम कहा था कि मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे और हिंदुओं को मुत्तहिद करेंगे, लिहाजा वो अपने मौकूफ में कामयाब है। वहीं दूसरी तरफ मसलक में भी और टुकड़े देखने को मिलते हैं और एक दूसरे को गुमराह भी कहते हुए देखा जाता है, यानी कि एक ही मसलक में और भी टुकड़े और वो भी गुमराह। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन खुलेआम कुछ लोग कर रहे हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई का कभी इन्हें एहसास नहीं रहता। इनको तो मुसलमानों को ही मुनाफिक, काफिर, मुशरिक, मुखबिर, गुमराह कहने से फुर्सत नहीं रहती। अब तो सियासी पार्टियों ने और फिर उसमें भी टुकड़े कर दिए, और ये किसी शहर की बात नहीं है बल्कि मुल्क की सतह और आलमी सतह पर भी इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा। अब तो हर तरफ एक तरह की मायूसी देखने को मिलती है, चारों तरफ नफ्सा नफ्सी को आलम नजर आता है, हर कोई अपने आप को आला और बढ़तर और दीन का सिपाही समझ रहा है। मस्जिदों की इफ्तिताह, दीनी मुजाकरे, जिक्र की महफिलें, इज्तिमात, उर्स, चिल्ला छट्टी सब हो रहा है। हर तरफ एक भीड़ उमड़ती नजर आ रही है और इस पर हर फर्द मुतमैन है कि मैं कुछ कर रहा हूं। हम मुतमैन हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह को मतलूब कुछ और है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दागे सजूद तेरी पेशानी पर है तो क्या, ऐसा सजदा भी करके जमीन पर निशा रहे। उम्मत की रूह कहीं परवाज हो चुकी है, वो बदर, हुनैन, करबला के जियाले कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। जब तक तुम पलट कर उस तरफ नहीं लौटते, याद रखो ये जिल्लत और भी बढ़ती जाएगी। तुम खुशफहमी में ही रहो कि मैंने फला अच्छा काम किया और फला की मदद की, या मैंने इतनी इबादतें की, क्योंकि गुलाम जहन कभी समाज में तब्दीली नहीं लाता। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, जह जह के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है। अगर बुजुर्गों असलाफ के किस्से पढ़ रहे हैं, हजारों को मजमे में दीन की बात कर रहे हैं, तो कितना असर समाज माशरे में पड़ रहा है। जरूरत है इस मुल्क को बचाने की, संविधान को समझने की, अदालती कार्रवाई उन पर करने की जो संविधान विरोधी बयान देते हैं। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी यह खामोश यकीनन खौफ पैदा करने वाली है, क्योंकि आने वाली नस्ल निशाने पर है और इसके जिम्मेदार हम सब है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।